क्विंच होगा स्ट्रेंज बॉय और आज बात करने वाले बीस्ट वर्कशॉप के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि रात के 12 बजे के बाद अगर आप बीगो शो के चैनल पर जाओगे तो US न्यूज़ चल रहा था जिसने बीगो शो के चैनल को पूरा हैक कर चुका, उनका बैनर, उनका नाम, उनके सारे वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ गायब हो चुके हैं। एंड उनके जो वीडियो है वहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम हुई थी कल रात को। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका चैनल हैक हो चुका है, तो कोई डराने की बात है नहीं, डरो मत गाइस। वो सारा यूट्यूब ने बात की है एंड यूट्यूब वाले से फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या उनके चैनल को क्या हुआ, कैसे हैक हुआ। और उन्होंने पोजिशन में खुद ही कहा कि ना तो अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो यूट्यूब वाले भी देख रहे हैं उनके चैनल को। तो गाइस अगर आपको ऐसे ही करना है तो प्रे किसी 20 वर्ष शो के लिए कोई इतना पैनिक मत होइए कि हाँ उनको उनका चैनल को वापस जरूर मिलेगा, यूट्यूब वाले साथ दे रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि गाइस इनका बड़ा सब्सक्राइबर है, क्योंकि अगर आपको अगर आपकी बड़ी ऑडियंस है तो अगर आप बड़ी ऑडियंस को हैक हो जाएगा वो स्ट्रीम करेंगे तो फिर बड़ी ऑडियंस को देखेगी। कल मैं रात को स्ट्रीम देखा, मैं रिकॉर्ड नहीं किया स्ट्रीम को, बट मैं सोचा कि भाई ये क्या चल रहा है। तो वहाँ का जितना बनना चाहता हूँ कि गाइस उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी वीडियोज़ को वीडियोज़ करनी मतलब सपोर्ट कीजिए गाइस। ट्विटर पे जो करने कर लिए सपोर्ट कीजिए, प्रे के बीच वर्षों के चैनल के लिए। मैंने भी गाइस आज के वीडियो को बस इतना ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो US न्यूज़ वाले ये सारे बड़े बड़े चैनल को अटैक कर रहे हैं एंड हैकर्स का भी यूट्यूब वाले को कुछ करना पड़ेगा। एनीवेज बहुत लोग का चैनल हैक हो चुका है। सो या इतना बोलना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही आराम।